आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बच्चों का भविष्य किताबें कबाड़ में मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने किताब गलाने वाली फैक्ट्री में किताबों का पहाड़ देखा था। किताबों को रद्दी बना दिया गया, उन्हीं किताबों को रद्दी के भाव में स्कूल शिक्षा विभाग ने बेच दिया। आज सूचना मिलने पर विकास अभनपुर विकास खंड के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहां बच्चों को किताबें बांटने के बजाय उसे गोदाम में रखकर खराब किया जा रहा है और बाद में इन्हीं किताबों को रद्दी में कौड़ियों के दाम पर बेच दिया जाएगा। बच्चों के भविष्य को संवारने वाली इन किताबों को कैसे रद्दी बनाया जाता है, ये देखिए। आप स्कूल में? स्कूल के? मैं ट्यूशन। कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? मैं मिडिल। मिडिल क्लास में? कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? 80। 80 बच्चे? पूरा सबको किताब मिल गया है? देखिए दोस्तों, बच्चों का भविष्य, ये किताबें आज भी कबाड़ में है और कबाड़ में या किताबों को कबाड़ करने में का जो सिलसिला चल रहा है, जिसकी बात हम पहले से कह रहे हैं, वो सिलसिला थम नहीं रहा है। जिस प्रकार से आज एक स्कूल में हम लोग आए थे और इस स्कूल में किस प्रकार से हजारों किताब जो बच्चों को बटनी थी वो बच्चों को नहीं बट रही। इसके पहले किताबों को पेपर फैक्ट्री में गलने और कटने के लिए लाखों की किताबें और पहाड़ बनकर पड़ी थी। अब ये किताबें स्कूल में हैं, ये हिंदी छत्तीसगढ़ भर्ती कक्षा छठवीं 2024-2025 की किताब है। देखिए, ये किताब आज भी बस्तों में होना चाहिए थे, बैग बच्चों के। बच्चों को किताब मिल नहीं रही सरकारी स्कूलों में और किताबें ऐसे दम करके सरकार या भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार